नमस्ते, आ जाओ। चलो बताते हैं यार, आपको कितना आसान और कितना कठिन है यहाँ पर आना। कई वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है ना वो उसको डिसलाइक कर रहे हैं। अरे यार, डिसलाइक मत करो ना, मुझे बताओ आप कि क्या रीज़न है आप डिसलाइक कर रहे हो, जो कौन सी वजह है जिसकी वजह से आप डिसलाइक कर रहे हो ना वीडियो, मुझे बताओ तो कम से कम। खाली डिसलाइक का बटन दबा दिया, उससे क्या होता है? मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आप क्यों डिसलाइक कर रहे हो, है ना? तो खुद सोचो ना यार, कॉमन सेंस की बात है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो बताओ कि क्या है, ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं। अब आपने डिसलाइक कर दिया, मुझे क्या पता क्यों डिसलाइक कर रहे हो। मैं तो ये सोचूंगा ऐसे ही कर रहे हो बस खाम खा के लिए। तो यार देखो, यहाँ रहते हैं अमेरिका हम, और 10 साल हो गए ग्रीन कार्ड मिले हुए हमारे को यहाँ पर। कोई शान की बात नहीं है, मिल गया है बस ग्रीन कार्ड। और उसका भी रीज़न था पीछे हमारे, रीज़न ये था कि मेरी बेटी यहाँ पे, यहाँ की नागरिक थी, उसकी यहाँ पर शादी हुई थी। तो जब वो नागरिक हो गई तो नागरिक का अधिकार है कि वो अपने माता पिता को बुला सकता है। तो उसने अप्लाई करा वीज़ा के लिए और तुरंत मिल गया वीज़ा। कुछ भी नहीं पूछा, एक शब्द भी नहीं, बस ये पूछा कितने दिन के जा रहे हो, हमने कहा 6 महीने के लिए। बोले ठीक है, ओके, हो गया, बाय बाय टाटा। तो अगर आप यहाँ के नागरिक हो और आप अपने माता पिता बुला सकते हो, बुलाना चाहते हो, तो 1 मिनट में हो जाएगा। अब बताते हैं आपको दूसरी बात, एक बड़ी मज़ेदार। अब चैनल बनाया है तो बहुत से सब्सक्राइबर भी हैं हमारे, है ना? तो वो बेचारे कहते हैं सर हमें स्पॉन्सर कर दो, हमें बुला लो, हम कैसे आ सकते हैं, हमें कैसे जॉब मिल सकता है। तो चलो ये भी सुनो कहानी। अब मैंने बताया 10 साल हो गए ग्रीन कार्ड मिले हुए, ग्रीन कार्ड होल्डर हूँ यहाँ का, यहाँ पर काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ, टैक्स कटाता हूँ अपना, सोशल सिक्योरिटी कार्ड है मेरे पास, मेरे पास आईडी यहाँ का सब कुछ है। ठीक, मेरी अपनी लड़की बता रहा हूँ, जो मेरी छोटी लड़की है, उसने 4 साल पहले अप्लाई करा कि मैं अपने बाप से मिलने आना चाहती हूँ, वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर दोबारा अप्लाई करा, फिर वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो यार आप खुद सोचो, मैं यहाँ का परमानेंट सिटीज़न हूँ और मेरी अपनी लड़की ने 2 बार अप्लाई किया, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा जो बाप है वो वहाँ का परमानेंट सिटीज़न है, तुम्हारी माँ के पास 10 साल का वीज़ा है और तुम्हारी बहन वहाँ की नागरिक है, तो हमें लगता नहीं है कि तुम जब वहाँ जाओगी तो वापस लौटोगी। तो उसने कुछ अपना बताया कि नहीं मैं लौटूंगी वापस, जो कुछ भी वो कह सकती थी। सिंपली उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके जवाब से सेटिस्फाई नहीं है और इसलिए हम आपको वीज़ा नहीं दे रहे हैं, छुट्टी ख़त्म। अब यार हम यहाँ बैठे हुए हैं 10 साल से, परमानेंट सिटीजन है यहाँ के, हमारी बेटी का रिजेक्ट हो गया वीज़ा। तो आप खुद सोचो यार कि कैसे कोई यहाँ पर आसानी से आ सकता है। दिल दुखाने के लिए नहीं बना रहे हैं यार वीडियो, हम तो भुक्त भोगी हैं ना, खुद यहाँ पर आपके सामने हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, तब आपको बता रहे हैं आसान नहीं है। और खूब वीडियो लाएंगे, सब बताएंगे आपको कि कैसे आ सकते हो, कैसे नहीं आ सकते हो, क्या चांसेस हैं आने के या क्या चांसेस नहीं है। तो यार देख लो, छोटा से छोटे वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा लंबा लगाने वीडियो देखोगे नहीं। तो अब आप खुद ये बात सोचो कि एक अमेरिका का परमानेंट सिटीजन जो मैं हूँ यहाँ पर 10 साल से, मेरी बेटी ने 2 बार अप्लाई किया और उसका मना हो गया। जब मना हो गया तो मना हो गया, फिर कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता उसमें। अगर आपसे कोई अब कहे कि हम करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, कुछ नहीं होता है। खाली फॉर्म भरो, नहीं आती अंग्रेजी किसी से भरवाओ, टूरिस्ट वीजा का है, घूमने के लिए जो भी है, अगर उनको लगेगा कि आप जायज तरीके से वहां पर जा रहे हो तो आपको वीजा दे देंगे, और अगर नहीं लगेगा तो कह देंगे फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। तो देखो यार, बुरा मत मानना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना,
और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि जो मेरा अगला वीडियो हो उसको आप देख सको। चलो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद ऐसी और फनी वीडियो के साथ। बाय। मैं बार बार कहता हूँ ना यहाँ पर बाय ऐसे करके होता, हाय नहीं होता। बाय, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आ जाओ यार, देखो जरा, आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। यहाँ रहते हैं अमेरिका में, 10 साल हो गए, और ये देखो वीजा कार्ड है हमारा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और ये हमारा है सीनियर सिटीजन का पास। अगर हम किसी भी चाहे ताजमहल, ये लाल किला, या फतेहपुर सीकरी, या कुछ भी देखने जाते हैं, तो जिस गाड़ी में हम बैठे होंगे ना इस कार्ड को लेकर, उस गाड़ी में सब लोग फ्री, कोई टिकट नहीं लगेगा। चाहे कितने टिकट, साला 500 का, 1000 का, कितना भी टिकट लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। और देखो आप, ये सर्विस कार्ड है हमारा, यहाँ पर सारा इलाज फ्री है, सब कुछ। ये हमारा इंश्योरेंस कार्ड है, सब कुछ फ्री इससे हमारा। ये हमारी आईडी यहाँ पर अमेरिका में, और ये है हमारा ग्रीन कार्ड। देख लो इतने डॉक्यूमेंट दिखा दिए आपको, उसके बाद भी जब लड़की ने अप्लाई करा, मना, पहली बार भी, दोबारा भी, और अब कोशिश करेंगे फिर अलग करने की, देखो आ पाती है नहीं आ पाती। तो यार ये बताने के लिए चैनल खोला है। अब आप देख लो ना, मैंने सब कुछ दिखा दिया आपको, मैंने ये इतनी गड्डी है पूरी कार्डों की, यहीं पे रहता हूं मैं, सारे अधिकार है मेरे को, एक परमानेंट रेजिडेंट के एक्सेप्ट वोट डालने के सारे अधिकार। मेरी अपनी बेटी नहीं आ पा रही है, तो यार कैसे किसी को स्पॉन्सर कर दूं, कैसे बुला दूं किसी को, क्या कर दूं। तो यार बस इतना ही सा वीडियो आज बनाया, और बहुत बनाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। तो किसी के झांसे में, किसी को उसे मत आना, कोई तुम्हें बुला लेगा, कोई यहां पर कर देगा, कुछ कुछ नहीं कर सकता कोई भी। बुरा लगाओ तो माफ कर देना यार, सच है। देखो भुक्त भोगी है, आपके सामने खड़े हैं, सब दिखा रहे हैं, इतनी गड्डी कार्डों को दिखाई है आपको हमने, कि सब कुछ है हमारे पास यहाँ का अमेरिका का, लेकिन हम अपनी लड़की को नहीं बुला पाए। रहने के लिए नहीं बता रहा हूँ, वो रहने के लिए आना चाहती, सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आना चाहती थी, तो मिलने के लिए भी मैं उसको नहीं बुला पाया हूँ। और जो लोग अमेरिका में रहते हैं यहाँ पर, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता होगा कि कितना मुश्किल है किसी को वहां से बुलाना, या ये सब सारी चीजें। तो यार देख लो, बस वीडियो बनाया आपकी जानकारी के लिए, आपको बताने के लिए कि भाई आना आसान नहीं है, आसान है, बहुत ही हाईली एजुकेटेड अगर आप हो तो आसान है आपके लिए। चलो यार फिर दोबारा वही बात कह रहे हैं जो कह रहे थे पहले, बुरा लगा माफ कर देना, नहीं सच है यार, हमें देख लो ना, हम तो खुद है ना यहां रह रहे हैं, अपनी लड़की को नहीं बुला पाए। तो चलो फिर मिलेंगे किसी और अगले वीडियो में। बात तो फनी है ना, कि यार यहां रह रहे हैं, सब कुछ है हमारे पास, ये देखो पूरी गड्डी रखी है, हर हर तरीके के कार्ड है हमारे पास, लेकिन बुला नहीं पाए। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को प्रेस करना। फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही फनी वीडियो के साथ में, ब्रेक के बाद। बाय। यार देख लो, बस यही है यार, बस आसान नहीं है, जो लोग बता रहे हैं आसान है, तो ठीक है यार, उनसे कांटेक्ट करो, मे बी वो आपको बुला ले। गॉड ब्लेस यू।